कोविड-19 से लड़ाई में जांच एवं निदान पर रहेगा जोर। जिला कलेक्टर भरतपुर 21 अप्रैल जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता ने बुधवार को आमजन से कोरोना के शुरुआती लक्षण दिखने के साथ ही शीघ्र स्वास्थ्य जांच कराने एवं जरूरत पड़ने पर कोरोना की जांच भी कराने का आग्रह किया है। उन्होंने बताया कि जांच से हॉस्पिटलाइजेशन की संभावना को कम किया जा सकता है। उन्होंने 45 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के नागरिकों से टीकाकरण कराने की अपील की, साथ ही प्रत्येक नागरिक से मास्क लगाने एवं कोविड-19 उपयुक्त व्यवहार अपनाने पर जोर दिया। चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में पंजीकरण कराने की अपील करते हुए जिला कलेक्टर ने कहा कि इस योजना में सभी पात्र एवं आमजन आवश्यक रूप से पंजीकरण कराएं। जिला कलेक्टर ने बताया कि कोरोना के उपचार को भी स्वास्थ्य बीमा के पैकेजेस में शामिल किया गया है, इसलिए 30 अप्रैल तक अवश्य पंजीयन कराएं। राजस्थान भरतपुर से मंडल ब्यूरो चीफ श्री शंभु लवानिया जी की खास रिपोर्ट। सभी भरतपुर वासियों को मेरा नमस्कार। जैसे आप सबको विदित है कि हम कोविड की इस महामारी में बहुत ही मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। लगातार हमारे केसेस बढ़ रहे हैं और हमारा जो मेडिकल सेटअप है प्लस हमारी जो ऑक्सीजन सप्लाई है उसकी लिमिटेड सप्लाई को देखते हुए लगातार चिंता जताई जा रही है पूरे राजस्थान में, पूरे भरतपुर ज़िले में। तो कोविड से लड़ने के लिए सबसे बेहतर उपाय, जो भी कोविड संक्रमित है व्यक्ति, उसका अर्ली डिटेक्शन है। यदि किसी भी व्यक्ति को हम जल्दी कोविड के लक्षणों को देखते हुए उसका इलाज चालू कर देते हैं तो बहुत हद तक हम संक्रमित व्यक्ति की जान बचा सकते हैं और उसका हॉस्पिटलाइजेशन होना उसको भी रोक सकते हैं, जिससे हमारा जो मेडिकल सिस्टम है जिसमें बेड्स और ऑक्सीजन की डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है उसको भी हम रोक सकते हैं। तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि आपके परिवार में या आपके पड़ोस में कोई भी व्यक्ति यदि कोविड के लक्षण जैसे खांसी, जुकाम, बुखार, टेस्ट नहीं होना, इस प्रकार के लक्षण अगर परिदर्शित करता है या कोई व्यक्ति राज्य के बाहर से आया है, क्योंकि अन्य राज्यों में केसेस की जो संख्या है वो ज़्यादा है, ऐसे कोई भी व्यक्ति अगर आपकी नॉलेज में है तो आप उनका मेडिकल चेकअप ज़रूर कराएं। और मेडिकल चेकअप के दौरान आवश्यकता अनुसार अगर RT-PCR कराना है वो हमारी मेडिकल टीम देख लेगी। इस संबंध में हम आप अपने नज़दीकी BLO से भी संपर्क कर सकते हैं और नज़दीकी ANM या अन्य चिकित्सा कर्मी से भी संपर्क कर सकते हैं, ताकि किसी भी व्यक्ति का अर्ली डिटेक्शन हो सके। जल्दी उपचार होगा तो उचित उपचार होगा और बहुत हद तक उस व्यक्ति की जान भी बच सकती है। इसी संदेश के साथ मैं दो निवेदन और आपसे करना चाहता हूँ। कोविड के लिए सबसे बेहतर उपाय वैक्सीनेशन है और मास्क है। तो एक तो आप मास्क अवश्य पहने और पात्र व्यक्ति जो फिलहाल में 45 प्लस हैं और 1 मई से 18 के ऊपर के लोग भी पात्र हो जाएंगे, अधिक से अधिक आप टीकाकरण करवाएं, जिससे कोविड के लक्षणों की जो सिवेरिटी है, जो गंभीरता है, उसको हम कम कर सकें और व्यक्ति जल्दी ठीक हो सके। इसके साथ ही चिरंजीवी योजना, जो स्वास्थ्य बीमा योजना है, उसके तहत कैंप्स लगाए जा रहे हैं पूरे भरतपुर ज़िले में। आपसे निवेदन है कि जो भी व्यक्ति इस जो महत्वाकांक्षी योजना है उसमें एनरोलमेंट कराना चाहता है, इसमें 5 लाख की बीमा राशि की जा रही है और जो पात्र लोग हैं उनके लिए तो फ्री है और अन्य लोगों के लिए 850 रुपये की नॉमिनल अमाउंट पे आपका पंजीकरण होगा। तो आप इसमें अवश्य एनरोलमेंट कराएं। सबसे बेहतर इस समय ये फ़ायदा है कि इसमें कोविड के उपचार के संबंध में भी जितना खर्चा होगा वो भी हम इसमें कवर कर रहे हैं। तो आपसे निवेदन है कि आप चिरंजीवी योजना में भी अधिक से अधिक सहयोग करें। 1 जी।